सो हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द ब्रांड गुरु में। आज आप लोगों के लिए एक बीपीए लेके आए हैं, बीपीए यानी कि बूस्टर पावर एम्पलीफायर लेके आए हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का, जो कि सिर्फ द ब्रांड गुरु कंपनी पे मिलने वाला है आपको, विद गारंटीड कॉपर ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज पे काम करने की इसकी क्षमता आपको मिलने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं पहले इसकी वाटेज की। इसका जो वाट है, ये जो मॉडल है, इसका मॉडल नंबर अगर हम बात करें तो मॉडल नंबर इसका SPA 10,000 रहने वाला है। 1000 वाट का ये एम्पलीफायर रहता है, पर ये जो रहता है हैवी ड्यूटी एम्पलीफायर रहता है। कई लोग देख के कहेंगे कि इतना हैवी एम्पलीफायर है, इतना वेटेज, इसका भार भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा भी बहुत है, तो इतना कम पावर क्यों है। पावर इसका कम नहीं है, मेन जो ये है ये इस तरीके से वर्क कर रहा है कि इसको आप हैवी ड्यूटी पे लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हो। लाइक आप एक दो दिन लगातार इसको चलाना चाहते हो, दो दिन ढाई दिन आपका प्रोग्राम अगर कोई है जिसमें आपको नॉन स्टॉप ये चलाना है, तो आप इसको उसमें ले जाके रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की, किस तरीके से चलने वाला, कितने मॉस्फेट इसमें लगे हुए हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको अंदर से भी आपको खोल के दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें हमने इनबिल्ट कर रखी है और किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर कर गया है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा है, कौन कौन सी क्वालिटी को पास करते हुए इसको हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट से अगर देख लें इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसका रहने वाला है। आगे से देख सकते हो, सबसे पहले हम एम्पलीफायर में देखें तो सबसे पहले आपको ब्रांडिंग मिलेगी, जो ब्रांड का लोगो मिलेगा आपको। जिस भी कंपनी का आप एम्पलीफायर खरीदो, सबसे पहले उस ब्रांड की वैल्यू देख लीजिएगा कि कोई एम्पलीफायर का जो आप खरीद रहे हो उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, किस तरीके से वो जो इस फील्ड में है वो कैसे एम्पलीफायर, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, रिव्यू कैसा है। तो आप कहीं भी इसका रिव्यू चेक कर सकते हो ब्रांड का कि आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है वो किस तरीके की मिलने वाली है। उसके बाद हमारा मॉडल नंबर आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ SPA 10,000 यानी सुपर पावर एम्पलीफायर 10,000 इसका मॉडल रखा गया है, क्योंकि इसका जो वेटेज है और वाटेज है, मतलब इसका जो बनावट है, इसके जो कॉस्ट है, पार्ट्स यूज करे गए हैं वो किस तरीके से है, इस हिसाब से 10,000 हमने रखा है इसका नाम। और मॉडल ये 1000 वाट का रहने वाला है। नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाता है बूस्टर पावर एम्पलीफायर, बूस्टर है ये हमारा। अब राइट हैंड साइड पे हम देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मास्टर वॉल्यूम देखने को मिलती है, उसके बाद हमें बेस और ट्रेबल देखने को मिलती है। नीचे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे स्विच मिलता है सिलेक्ट करने का कि आपको फ्रीक्वेंसी जो है किस चीज पे चलाना है, यानी कि आपको ड्राइवर यूनिट चलानी है या बॉक्स स्पीकर चलाने हैं। बॉक्स स्पीकर चलाने हैं तो लेफ्ट हैंड पे कर दीजिए, जहाँ पे बॉक्स स्पीकर का स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर आपको ड्राइवर यूनिट चलानी है तो आप राइट हैंड पे करके इसको ड्राइवर यूनिट भी चला सकते हैं। बस फ्रंट में जो है हमें दो चीज और देखने को मिलती है, लेवल व्यू मीटर के साथ में रीसेट का बटन देखने को मिलता है। रीसेट का बटन, अगर आपका एम्पलीफायर जो है कोई दिक्कत कर जाए तो उसको रीसेट करने के लिए, रीसीड्यूल मतलब जैसे हम फोन को रीस्टार्ट करते हैं ऐसी एम्पलीफायर को रीसेट करने के लिए स्विच मिलता है। और साथ में दो LED आपको मिलती है AC सर्किट प्रोटेक्शन की प्लस DC MCB प्रोटेक्ट। DC MCB प्रोटेक्ट का मतलब ये है जब आपके एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है DC सर्किट के कारण, तो आपकी MCB डाउन हो जाएगी। जैसे घरों में शॉर्ट सर्किट होती है MCB डाउन हो जाती है, इसी तरीके से इसकी MCB भी डाउन हो जाएगी, जैसे स्पीकर वगैरह के तार टच हो जाते हैं तब। तो इसमें आपको AC सर्किट प्रोटेक्शन का वो मिलता है, जैसे अंदर से कोई AC सर्किट फॉल्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे येलो लाइट जला के दिखाएगा कि इसके अंदर AC की सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो गई है। और यहाँ पे आपको DC MCB की सर्किट प्रोटेक्शन दिखाएगा जब MCB आपकी डाउन हो जाएगी। अगर मैं पीछे से डाउन खुद कर देता हूँ तो ये MCB की LED जल जाएगी कि आपकी MCB जो है डाउन है, उसको ऑन कर लीजिए जिससे कि DC प्रोटेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये है इसकी फ्रंट लुक। अगर इस पे वाटेज की बात करें, लोगों को जिस जिसने भी अभी तक इसको दिया है, हमने फील्ड में जैसे चेस्ट कराया तो लोगों ने 2,500 वाट तक भी इस पे देके नॉन स्टॉप चलाया है। रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है, किसी ने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। तो आप भी बेझिझक इसको ट्राई कर सकते हैं, ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा विद एफोर्डेबल प्राइस। हमारा जो माल होता है वो चीप प्राइस पर नहीं होता, एफोर्डेबल प्राइस पर होता है, बेस्ट क्वालिटी। अगर हम थोड़ा इसको ऊपर से देखें तो यहाँ पे हमें दो यहाँ पे हैंडल मिल जाते हैं इसको पकड़ के उठाने के लिए, क्योंकि ये इधर की साइड से उठाने लायक नहीं है। हीट सिंक काफ़ी तेज इसकी चुभ सकती है, तो इसके कोने हैं वो काफ़ी ही शार्प हैं हीट सिंक के, तो हम यहाँ से नहीं पकड़ सकते इसको। इस तरीके से यहाँ से पकड़ के दो बंदे आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को उठाना बड़ा ही मुश्किल है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब इसकी अगर हम बात करें साइड से, तो मैं आपको थोड़ा साइड लुक इसका दिखा देता हूँ। साइड से अगर हम इसकी हीट सिंक देखें तो देख सकते हो आप काफ़ी ही हैवी पैनल्स इसमें लगाए गए हैं। इनके जो हीट सिंक के चैनल हैं वो लगभग 3-3 इंच चौड़े, 3-4 पीस इसमें लगाए गए हैं। 4 पीस यानी कि 4-4 इंच चौड़े और लगभग 6 इंच लंबे, इसमें 4 पीस इसमें हमने
ऐड करें, क्योंकि जो हमारे मॉस्फेट पे माउंट हुए हैं अंदर से, मैं अभी आपको इसके ट्रांजिस्टर भी दिखाऊंगा कौन से हमारे लगे हुए हैं, कितने पीस लगे हुए हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो इसकी हीट सिंक कितनी हैवी, इधर भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, और प्लस इसमें बैक साइड भी लगाई जाती है। इस वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ऊपर जाती है, हैवी ड्यूटी है, इसी वजह से बनता है, क्योंकि इसकी हीट सिंक जो है वो आउटसाइड रहती है, बाहर की साइड रहती है, तो उससे हीट जो है प्रॉपरली मेंटेन रहती है। अंदर जो रहता है उसमें क्या रहता है, थोड़ी वो सफोकेशन होके ना अंदर हीट बन जाती है ज़्यादा, इसमें जो बाहर रहती है इसमें आपका हीट सिंक बहुत ही अच्छी तरीके से वेंटिलेट होती रहती है और ठंडी रहती है। अब इसको हम थोड़ा बैक साइड से दिखाने की कोशिश, अगर हम बैक से पहले देखें तो सबसे पहले अगेन हमें दो यहाँ पे हीट सिंक मिलती है, सेम इसमें 4 इंच 3.5 इंच की हीट सिंक दो लगाई गई है, जो कि हमारे पीछे रेक्टिफायर को होल्ड करती है, उसको भी ठंडा रखने में मदद करती है। उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट मिलता है, हमें 100 वोल्ट का एक इनपुट इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे आपने आम एम्पलीफायर देखे होंगे, बूस्टर एम्पलीफायर 1200 वाट वगैरह के, उसमें 200 mA और 1 वोल्ट का मिलता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा 100 वोल्ट का इनपुट जैक मिलता है दोनों साइड में पिन से, ठीक है। अगर आपको इनपुट यहाँ देनी हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, बैलेंस इनपुट है 1 वोल्ट की, और यहाँ पे दो इनपुट हमें मिक्सर से देने के लिए दिखेगी, यहाँ पे दोनों साइड पे आप इनपुट इसमें दे सकते हो, प्लस इसमें XLR की भी बैलेंस इनपुट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पावर कोर्ड मिलती है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी की 3-पिन प्लग मिलता है हमें इनबिल्ट इसमें लगा हुआ। 32 एम्पियर की DC MCB स्विच मिलता है, MCB की क्वालिटी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी ब्रांड की लगाई गई है, सीमेंस की। अगर इस MCB की बात करा जाए तो ये DC प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, जैसे कई एम्पलीफायर्स में होता है ना DC प्रोटेक्शन होती है, पावर सप्लाई मतलब रिले ऑफ हो जाती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ही इसमें कोई भी DC प्रॉब्लम होगी तो आपको इसको हमेशा ऑन रखना है, जैसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ये अपने आप ही ऑफ। इस DC प्रोटेक्शन का काम ये है, इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो आगे है, एम्पलीफायर ऑन ऑफ का आगे है, जो पीछे आपका स्विच लगाया गया है ये DC प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है इसके, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी है, लगभग सपोज करो 5 से 6 हज़ार वाट का जैसा इसका ट्रांसफार्मर होता है उस हिसाब से इसका ट्रांसफार्मर है, इस वजह से इसमें ये MCB प्रोटेक्शन लगाई गई है, क्योंकि इसमें रिले काम करने वाली नहीं है, तो इस वजह से इसमें MCB प्रोटेक्शन लगाई गई है, जिससे कि इसमें एम्पलीफायर में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए जलने फूकने वाली। जब भी इसमें कोई दिक्कत आएगी आपकी MCB अपने आप ही इसको यहाँ से ऑफ हो जाएगी, और आपको फ्रंट साइड में जो DC प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, DC MCB प्रोटेक्शन, वो वाली LED ऑन हो जाएगी जैसी इसमें कोई भी दिक्कत आ। तो ये है इसका MCB का फंक्शन, और प्लस इसमें जो प्रोटेक्शन लगी हुई है AC सर्किट प्रोटेक्शन अंदर लगी हुई है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फ्रंट पे दिख जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद हमें यहाँ पे अगर बैटरी से चलाना हो तो किस तरीके से चलेगा, इसमें हमें बैटरी 48 वोल्ट की इसमें हमें लगानी है, यानी कि 12 वोल्ट की 4 बैटरी इसमें हमारी लगेगी, कार की 4 बैटरी आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके ये पावर एम्पलीफायर आपका बैटरी से ऑपरेट हो पाएगा। इसमें प्लस माइनस का भी हमारा यहाँ सिग्नल दिया गया है, और सॉकेट पे भी दिया है, ऊपर से प्रिंटिंग भी है, साथ में आपको एक ग्राउंडिंग की वायर मिलती है, जो आपको एम्पलीफायर में ग्राउंडिंग वगैरह देनी हो या आ रही हो अर्थिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंटीना का ये मिल जाता है। प्लस आपको नीचे LT ड्राइवर यूनिट के लिए 70 वोल्ट 100 वोल्ट का सप्लाई मिलती है, अगर आपको इसमें ड्राइवर यूनिट लगानी हो तो ये हमारा इसका कवर रहता है जिससे डस्ट वगैरह अंदर ना जाए, ये आपको हटाना पड़ेगा लगाने के लिए, तो आपका यहाँ पे कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट की LT यूनिट चल जाएगी। अगर आपको बात करें स्पीकर की, स्पीकर कैसे चलेंगे, तो स्पीकर के लिए आपको साथ में इसमें 1 वोल्ट भी मिलेगा, आपने सारे एम्पलीफायर देखे होंगे तो 4 ओम 2 ओम और 8 ओम मिलता है 1500 वाट में, पर इसमें आपको 1 ओम भी मिलेगा, 1 ओम यानी कि आप इसमें 8 स्पीकर तक भी चला सकते हो, 8 स्पीकर यानी कि आप स्पीकर 8 चलाना चाहो तो यानी कि 300 वाट के 8 स्पीकर आप इसे एम्पलीफायर पे नॉन स्टॉप चला सकते हो, क्योंकि ये 1 ओम पे स्टेबल एम्पलीफायर है, इसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है 1 ओम का स्पेशल आउटपुट इसमें निकला हुआ है, तो आप इसमें बेझिझक 300 वाट तक के 8 स्पीकर आराम से चला सकते हो, 2400 वाट आराम से आप इसमें चला सकते हो, प्लस HF, ठीक है। ये पीछे से लुक हो गए, यहाँ पे आपको बैलेंस इनपुट देनी है, इनपुट के मैं अभी अगर हुआ तो मैं वीडियो में अभी आपको इसको चला के भी एक बार दिखा देता हूँ, और क्वालिटी तो आपको अभी अंदर से भी दिखा देता हूँ, साइड से मैंने आपको दिखा दिया, इसकी बैक साइड आ गई है, साइड में दोनों साइड इसकी हीट सिंक काफ़ी हैवी लगी हुई है। एम्पलीफायर की अगर आप वजन की बात करें तो वजन आपको इसमें लगभग 41 kg या 42 kg अप्रॉक्स मिलने वाला है पूरे पावर एम्पलीफायर का। अब थोड़ा हम अंदर की साइड इसके चलते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ हमारी लगाई गई है। चलिए थोड़ा अंदर की साइड अब इसके चलते हैं।
अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें हर हीट सिंक पे 3 पेयर्स ऑफ मॉस्फेट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 3 पेयर्स मतलब 3 इधर और 3 हमारा इधर की साइड का, तो 3 पेयर्स एंड 3 पेयर्स, यानी कि टोटल हमारे को 12 पेयर्स ऑफ मॉस्फेट इसमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसमें 24 पीसेस ऑफ मॉस्फेट यूज करे गए हैं ऑन दिस एम्पलीफायर। तो अंदर अगर आप देखें तो मॉस्फेट को रोकने के लिए क्या क्या इसमें यूज करा गया है, ये बहुत छोटी छोटी चीज होती है जो आपको हर कंपनी में देखनी पड़ती है। असल में क्या है, एम्पलीफायर्स तो सभी कंपनी बना देती है, एम्पलीफायर कोई बनाना बड़ी बात नहीं है, पर एम्पलीफायर की क्वालिटी मेंटेन करना ये बड़ी चीज है। तो हमारी कंपनी के एम्पलीफायर की क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन होती है आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वॉशर मिलने वाली है जिससे पूरे ट्रांजिस्टर हीट सिंक पे अच्छी तरीके से चिपके रहे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको होल रोकने के लिए अलग से स्टैंड भी मिलेगा ट्रांजिस्टर रोकने के लिए, जिससे और ज्यादा प्रेशर इस पे लगा रहे हीट सिंक के साथ। तो ये आपको हर एक मॉस्फेट पे सेपरेट सेपरेट देखने को मिल जाएगा, जहां भी आप देख सकते हो। प्लस में आपको उसके बाद यहाँ पे हर एक मॉस्फेट पे 15 वॉट की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे आम एम्पलीफायर्स में 1000, 2000, 3000 वाट तक भी अगर आप देखोगे तो अब लोग 10 वॉट की रेजिस्टेंस लगाने लग गए हैं, पर इस एम्पलीफायर में आपको हमारे 15 वॉट की रिकॉन कंपनी की रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। प्लस आप वायरिंग अगर देखना चाहे तो 2.5 mm प्योर 2.5 mm की इसमें वायरिंग यूज करी गई है, प्रॉपर वोल्टेज से वर्क करा गया है। ड्राइवर भी आप देखो तो पूरा हाई क्वालिटी का इसमें ड्राइवर हमने लगाया है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह सब इसमें अच्छी से अच्छी कंपनी का यूज करा गया है। उसके बाद हम पावर सप्लाई पे अगर चलें तो इसमें टोटल 6 ब्रिज रेक्टिफायर 50 एम्पियर्स के यूज करे गए हैं, जो कि दोनों हीट सिंक पे होल्ड करे गए हैं बैक साइड वाली, देख सकते हैं 1, 2, 3 + 1, 2, 3, यानी कि 6 पीस ऑफ रेक्टिफायर वी यूज इन दिस एम्पलीफायर। सो इस वजह से इसका एम्पलीफायर का नाम 10,000 रखा गया है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट यूज करे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के रखे गए हैं। अगर हम पीछे देखें और आगे देखें तो सभी जितने भी बोर्ड इसमें आगे यूज करे गए हैं उसमें उसके ऊपर कवर सेपरेट लगाया गया है, जिससे सालों साल तक भी आपको डस्ट की दिक्कत ना आए। पीछे में जितने सर्किट हमने यहाँ पे लगाए हैं उसमें भी अच्छी तरीके से इसको ढका गया है, आगे भी सर्किट जो लगाया गया है उसको अच्छी तरीके से ढका गया है। अब बात करें अगर इसके ट्रांसफार्मर की, तो सबसे पहले आप इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर देख सकते हो। आउटपुट ट्रांसफार्मर ये पूरी ही प्योर न्यू जैपनीज कोर में बनाया गया है। उसके बाद आप इसका अगर साइज देखें तो जो 701 का मेन ट्रांसफार्मर होता है उससे भी बड़ा इसका साइज आपका मिलने वाला है। जो आपको ये चीज़ मिलने वाली है पूरी 2.5 इंची की मिलने वाली है। बॉबिन आप देख सकते हो, कॉपर की वायर देख सकते हो, कितनी ही हैवी गेज इसमें यूज करी गई है। इस वजह से इसमें 1 ohms का भी प्रॉपर आप लोड इसमें नॉन स्टॉप 2 दिन तक भी चला सकते हो। उसके बाद हम मेन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो मेन ट्रांसफार्मर भी आप देख सकते हो कितना ही हैवी बनाया गया है। प्लस इसमें जो वायर यूज हुई है वो मिलान की वायर यूज की है, मिलन वायर के ऊपर PVC कोटिंग फॉर हीट से बचाने के लिए इसमें यूज करा गया है। तो अगर ट्रांसफार्मर की आप बात करें तो लगभग आपको 7 से 8 इंच का ट्रांसफार्मर लेंथ मिलने वाली है। कैपेसिटर इसमें हम 4 इसमें यूज करे गए हैं 15,000 mFD और 80 वोल्ट के 4 कैपेसिटर इसमें यूज करे गए हैं। MCB आप देख सकते हो, DC 130 एम्पियर 120 एम्पियर की DC इसमें MCB यूज करी गई है। बाकी एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए इसमें छोटे ट्रांसफार्मर अलग से लगाए गए हैं, इसमें वोल्टेज नहीं ली गई है क्योंकि इसमें थोड़ा एम्पियर ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा एक छोटे ट्रांसफार्मर यूज करके जो भी सप्लाई इसमें एक्स्ट्रा चाहिए वो सब यूज करी गई है। आप चाहें तो इधर भी देख सकते हो, सेम टू सेम हर ट्रांजिस्टर की हर मॉस्फेट की स्पेशल से सारे ही जैक लगाए गए हैं, होल्ड करने के लिए अलग से एक पिन इसमें लगाई गई है और प्लस वॉशर इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की है। 3 वाट की रेजिस्टेंस हर मॉस्फेट पे आपको सेपरेट देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा SPA 10000 का एम्पलीफायर, जो कि आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ दी ब्रांड गुरु कंपनी पे, वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट पे। अगर आप इस एम्पलीफायर को लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हमने इसके
डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और प्लस जो प्रोडक्ट का हमारा कैटलॉग है उसमें भी आपको इसकी बाकी डिटेल्स मिल जाएगी, वायरिंग वगैरह वीडियो भी मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें दो लाइनरें और एक बेस, सिंगल बेस एक और दो लाइनर कनेक्ट कर दिए हैं आपको साउंड टेस्ट कराने के लिए इस एम्पलीफायर पे, प्लस एक मिक्सर मैंने ऐड कर दिया है ब्लूटूथ के लिए। मैं अब सॉन्ग ऑन करता हूँ, पहले तो मैं एक नॉर्मल सॉन्ग चला के दिखाता हूँ, अगर उसमें कॉपीराइट वगैरह का इशू आता है तो वो वॉल्यूम यानी उतना गाना ट्रिम कर दिया जाएगा यूट्यूब से, तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ से पे गाना क्यों नहीं डाला है। वैसे हम शुरू में डालेंगे, अगर बाय दी चांस उसमें कोई भी इशू आता है तो वहाँ से ट्रिम कर दिया जाएगा, और दूसरा गाना मैं आपको नॉर्मल नो कॉपीराइट में चला के दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले यहाँ से एक बार गाना मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर, वीडियो पसंद आई होगी। एम्पलीफायर हमारी कंपनी का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे एम्पलीफायर को लेना चाहते हो या कोई भी जानकारी चाहते हो तो हमारे पर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से, हमारी टीम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आपको ऑर्डर करने में भी हेल्प करेगी। अगर आप चाहो तो वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट लॉग इन करके आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पर डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने से इस एम्पलीफायर को अपने यहाँ मंगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट एडवांस में देके, कुरियर चार्ज आपका जो लगेगा वो आपको एडवांस में देना होगा, बाकी का अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ घर पहुंचने पर ही देना होगा। तो होप यू गाइस यू लव दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।